जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्शन रिसर्च। एक्शन मतलब किसी तरह का काम करना और रिसर्च मतलब किसी तरह के डाटा को इंटरप्रेट करना, इवेल्युएट करना और लास्ट में यूज़ करना ताकि इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस हो सके। ये स्पाइनल मैनर में वर्क करता है कंटिन्यूसली। इसमें टीचर क्या करता है, एक्शन लेता है, वर्क करता है ताकि लर्निंग को एनहांस किया जाए। और इसमें एक्शन होगा, वर्क होगा तो क्या होगा, डाटा कलेक्ट होगा। जैसे ही डाटा कलेक्ट होगा हम इंटरप्रेट करेंगे, इवेल्युएशन होगा, आइडिया जनरेट होगा, फिर से एक्शन होगा, फिर डाटा कलेक्शन होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, इवेल्युएशन होगा। ये सारी चीज़ें कब तक होती रहेंगी, जब तक अच्छा डाटा मिल ना पाए स्टूडेंट के बारे में। तो ये जो स्टीफन थे उन्होंने क्या किया, एक्शन रिसर्च को एजुकेशन में लाया। इन्होंने कहा कि दूसरे की मेथोलॉजी को यूज़ करने से अच्छा है आप खुद पर काम करें। वो क्योंकि वो काम क्या होगा, स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग होगा। मतलब खुद का काम करें, खुद का रिजल्ट आएगा, खुद पे इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरे की मेथोलॉजी को एज इट इज़ लेने ना, आप थोड़ा बहुत एग्जाम्पल स्टेप्स या आइडियाज़ ले सकते हैं, क्योंकि आपको काम करना है स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग। क्योंकि आपको अपनी क्लास के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी, अच्छी तरह पता होगा कि कैसे बच्चे हैं, ठीक है। अब क्यों नीड होती है एक्शन रिसर्च की, तो स्टूडेंट्स की जो नीड होती है वो डायनामिक होती है, चेंज होती रहती है। सबसे पहली तो नीड यही है। और स्टूडेंट्स एंड टीचर की सेल्फ रिफ्लेक्शन को जानने के लिए भी किसकी यूज़ होता है, एक्शन रिसर्च का। तो ये बात हुई एक्शन रिसर्च की। थैंक यू।